अच्छा जी, आज सबसे पहले तो हम चैप्टर नंबर 15 जो है हमारा, चैप्टर नंबर 15 के अंदर कुछ छोटी छोटी सी डिवाइसेस थी, मतलब डिवाइसेस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन उनकी जो लेट्स सपोज आप ये कह लेंगे कि उनकी पेपर के अंदर वर्किंग है वो बहुत कम है, मतलब पेपर के अंदर उसका कुछ ऐसा आता नहीं है, सिर्फ MCQs आते। तो MCQs बेस्ड नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ हर डिवाइसेज से, हर डिवाइसेज के बारे में जानना ज़रूरी है आपको, कई डिवाइसेज क्या काम करती हैं। इलेक्ट्रिकल की डिवाइसेज हैं, हमने सिर्फ चार डिवाइसेस पढ़ी थी, गलवानोमीटर पढ़ा था, वोल्ट मीटर पढ़ा था, एमीटर पढ़ा था और व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा था। अब इसके अलावा जो डिवाइसेज हैं जो उस चैप्टर के अंदर मौजूद थी, उनकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग ये सारी चीज़ें नहीं आती इतनी डिटेल, लेकिन MCQs में जो चीज़ें आती हैं कि किस काम आती हैं, इनकी जो थोड़ी बहुत बेसिक डिटेल है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 15 है आपका, जिसके अंदर हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं AVO मीटर को। ठीक है, ये जो AVO मीटर है इसका दूसरा नाम मल्टीमीटर भी है, और किसी भी इलेक्ट्रिक की दुकान पे आप चले जाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे चले जाएं, वहाँ पर आपको कोई चीज़ रिपेयर करानी हो तो ये डिवाइस अक्सर और बेशतर आपको मिलेगी। और ये डिवाइस क्या काम करती है, ये डिवाइस मल्टी टैलेंटेड कहलाती है, क्योंकि मल्टीमीटर है तो मल्टी टैलेंटेड है। ये डिवाइस करंट भी मेजर करती है, ठीक है, करंट मेजर करके देगी आपको, ये डिवाइस आपको वोल्टेज मेजर करके देगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि करंट और वोल्टेज सिर्फ एसी मेजर करके देगी, बल्कि एसी भी मेजर करके देगी एज वेल एज डीसी भी मेजर करके देगी। इसके अलावा मजीद ये कि ये रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करके दे सकती है आपको, रेजिस्टेंस भी मेजर करके दे सकती है। ठीक है, और कुछ डिवाइसेज आजकल ऐसी आ गई हैं, मतलब मल्टीमीटर ऐसे आ गए हैं जो कि कंडक्टेंस भी मेजर करते हैं, इंडक्टेंस भी मेजर करते हैं, और इसके अलावा वो मेजर करते हैं आपका, लेट्स सपोज आवाज़ तो ठीक हो गई होगी काफ़ी हद तक, कैपेसिटेंस भी मेजर करते हैं। ठीक है, तो मल्टीमीटर के बारे में अगर आप चाहें तो मल्टीमीटर नाम से पता चल रहा है, AVO मीटर इसका दूसरा नाम है, ये ऑलमोस्ट एम्पेयर वोल्ट मीटर कहलाता है, तो इसके अंदर तकरीबन ये सारी चीज़ें मेजर करता है। ठीक है, तो यही जो इतनी सी इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पर लिखी हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक, बस आपने इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन अपने पास संभाल के रखनी है। नोट्स के अंदर ये नहीं मिलेगा, वैसे आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिखना चाहें लिख लें, आसान सी बात है, कोई तो मुश्किल बात नहीं है, नोट डाउन कर लें। AVO मीटर इज़ आल्सो रिफर्ड एज मल्टीमीटर, और ये करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के काम आती है, वेदर इट इज़ एसी करंट और डीसी करंट, डजंट मैटर। दूसरे नंबर पर आपके पास डिवाइस आती है जिसका नाम है रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐसी डिवाइस है जो अपनी मतलब की रेजिस्टेंस हमें कभी भी दे सकती है, मतलब मुझे कोई रेजिस्टेंस की चाहिए, मैं बार बार मार्केट जाऊं मुख्तलिफ वैल्यू के रेजिस्टेंस लेने के लिए, तो उसके लिए एक रेजिस्टेंस बॉक्स उठा के लिया वो अच्छा है। रेजिस्टेंस बॉक्स की खास बात यह है कि आपको कोई भी रेजिस्टेंस चाहिए एट एनी टाइम आप डेवलप कर सकते हैं, ख़ुद से बना सकते हैं वो रेजिस्टेंस। कैसे बना सकते हैं वो ज़रा मैं आपको समझा देता हूँ। इसके अंदर मुख्तलिफ जो है ना रेगुलेटर लगे हुए होते हैं। जो पहला रेगुलेटर है, अगर मैं इसको यहाँ ज़ीरो से यहाँ पर ले जाऊँ तो ये 1 × 10 हो जाएगा, 1 ओम, तो 1 ओम की रेजिस्टेंस बन जाएगी, 1 ओम की रेजिस्टेंस। इसको अगर उठा के मैं यहाँ ले जाऊँगा तो ये 2 ओम की रेजिस्टेंस बन जाएगी, एंड सो ऑन, इसको मूव करवाता रहूँगा, रेजिस्टेंस टाइम्स बढ़ती जाएगी 1 टाइम्स। ठीक है, इसी तरफ अगर मैं दूसरे वाले रेगुलेटर पे आ जाऊँ तो इस वाले रेगुलेटर को अगर मैं एक शिफ्ट करूँगा तो रेजिस्टेंस हो जाएगी 10 ओम्स, 1 × 10, 10 ओम्स। दो मूव करूँगा तो 20 ओम, 3 मूव करूँगा तो 30 ओम। आगे चलें तो 100 ओम्स से वेरी करेगी रेजिस्टेंस, या 1000 से वेरी करेगी, या 10,000 से, यहाँ पे 100,000 से। तो अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल कोई आपसे कहे कि मुझे 4498 की रेजिस्टेंस जो है ना वो चाहिए अचानक से, ठीक है ना, अब आप मार्केट थोड़ी जाएंगे रेजिस्टेंस लेने के लिए, 1498 ओम्स की रेजिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो आप रेजिस्टेंस बॉक्स से जनरेट करेंगे। कैसे जनरेट करेंगे ज़रा वो देखें, सबसे पहले आप सिर्फ पहला डिजिट लें, बाकी सबको ज़ीरो तसव्वुर कर लें, इसके बाद दूसरा डिजिट लें, बाकी दो को ज़ीरो ले लें, तीसरा डिजिट लें, बाकी को ज़ीरो ले लें, आखिर में आखिरी डिजिट ले लें, इन सबको आप जमा करें तो आंसर आपका वही आएगा, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा आंसर पे। तो इससे ये पता चलता है कि जो हज़ार वाली रेजिस्टेंस है ना, हज़ार वाली रेजिस्टेंस, वो आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, अगर आप इसको इधर ले जाएँ, ठीक है, 400 वाली रेजिस्टेंस आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, 4 पे ले जाएँ, किसको, 100 वाली को, तो 100 वाली को हम 4 पे ले जाएंगे। ठीक है, 90 ओम की रेजिस्टेंस कैसे डेवलप करते हैं, ये 10 वाली को 9 पे ले जाएंगे, ठीक है, 90 ओम की रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी, और 8 ओम की रेजिस्टेंस कैसे डेवलप करते हैं, इस वाली को हम 8 पे ले जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली, इसको मैं नाम देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6,
तो जो पहली वाली रेजिस्टेंस है उसको कहाँ पे ले जा चुका हूँ मैं, 9 पे, दूसरी वाली को लेके जा चुका हूँ, पहली वाली को 8 पे, दूसरी वाली को 9 पे, तीसरी वाली को मैं लेके जा चुका हूँ 4 पे, और चौथी वाली को मैं लेके जा चुका हूँ 1 पे। तो इससे मैंने अपनी मर्जी के रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप कर ली। तो रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐसा बॉक्स है जिससे हम एनी टाइम अपनी मर्जी की रेजिस्टेंस जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज़, आगे चलें। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो डिवाइस आती है वो है, पहले तो रेजिस्टेंस बॉक्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। वॉइस क्लियर क्यों नहीं आ रही, क्या हो गया अचानक, अभी तक तो क्लियर थी। चलो और माइक के करीब हो जाता हूँ। सेकंड जो बात है, इन्फॉर्मेशन एक छोटी सी जो याद रखनी है आपने, जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स होता है ना उसके अंदर नॉन इंडक्टिव कॉइल यूज़ किया जाता है। नॉन इंडक्टिव कॉइल यूज़ करने का मकसद ये होता है कम से कम इंडक्टेंस हो, इंडक्टेंस की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट कम हो, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस होगी ना तो वो करंट जनरेट करेगा, उसकी वजह से एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आते, बहुत सारे एरर्स आते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए हम नॉन इंडक्टिव कॉइल यूज़ करते हैं, किसके अंदर, किसी भी डिवाइस में जहाँ पर कॉइल यूज़ हो रहा है। कोशिश ये होती है कि नॉन इंडक्टिव कॉइल हो, जैसे कि वीर स्टोन ब्रिज हो, भले वो भले वीर स्टोन ब्रिज में तो नहीं यूज़ होता है, जैसे आपका जो अभी हम रेजिस्टेंस बॉक्स की बात कर रहे हैं इसके अंदर होता है, और किसी के अंदर कॉइल होता है, जैसे आपका कॉइल हो गया रियो स्टेट पर होता है कॉइल, तो इसके अंदर हम नॉन इंडक्टिव कॉइल यूज़ करते हैं। तो ये बात एक इन्फॉर्मेटिव है जो याद रखनी है। अगली जो डिवाइस है वो आपके पास है मीटर ब्रिज। देखिए, जो मीटर ब्रिज होता है ना आपका, ये बिल्कुल वही है जो आपका वीड स्टोन ब्रिज होता है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसके अंदर दो रेजिस्टेंस होती है और एक वायर होता है। जो वायर आप लेते हैं इसकी जो लेंथ होती है 100 मीटर, तो इससे हम नल पॉइंट डिसाइड करते हैं। नल पॉइंट कैसे डिसाइड करते हैं, गैल्वेनोमीटर को एक पॉइंटर से लगाया हुआ होता है, इसको ले जाकर यहाँ टच करते हैं, यहाँ टच करते हैं, जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग देगा, वो पॉइंट हम नोट कर लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ इसके साथ, इसको मैं उठा के 30 पे ले गया, सपोज करो 30 पे इसने मुझे गैल्वेनोमीटर पे जीरो रीडिंग दे दी, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मैं नोट करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मैं नोट करूँगा, ये वाली रेजिस्टेंस नोन है, ये वाली अननोन है। तो चार चीज़ें हो गई यहाँ पे, सिर्फ डिफरेंस ये है यहाँ चारों रेजिस्टेंस होती है ना वीड स्टोन ब्रिज में, मीटर ब्रिज में डिस्टेंस होते हैं दो डिस्टेंस होते हैं, दो रेजिस्टेंस होती है। तो फिनोमेना लेकिन सेम है, जैसे R1 R2 था ना, इसमें R/X = length1/length2 हो जाएगी, बस लेंथ से मेजर कर लेते हैं, इसलिए इसको मीटर, मीटर क्योंकि लेंथ की यूनिट है, तो इसलिए इसको मीटर ब्रिज कहते हैं। तो ये वीड स्टोन ब्रिज की तरह ही है, और ये अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के काम आता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ इसकी इन्फॉर्मेशन ले लें, बाकी डायग्राम वगैरह तो नेट पर मिल जाती है, और फिजिकल लैब के अंदर जब आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ ये और क्लियर हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल के अंदर बहुत आती है, मतलब इसका प्रैक्टिकल है आपकी बुक के अंदर। ठीक है जी, एक आखिरी डिवाइस जो आपकी बची है, वो दो डिवाइसें बची हैं, एक तो पोटेंशियोमीटर है। अच्छा, पोटेंशियोमीटर आपने यूज़ करा हुआ है लेकिन आपको मालूम नहीं है कि आपने कहाँ यूज़ करा है, कोई बता सकता है कि किसी को आइडिया है कि पोटेंशियोमीटर हम कहाँ यूज़ करते हैं, जो सामने आपको नज़र आ रही है डिवाइस तरह इंटरनली कुछ इस तरह की होती है। हाँ जी रवेश कुमार, फ़ैन तो नहीं, रेगुलेटर होता है फ़ैन का, रेगुलेटर है बिल्कुल एग्जैक्टली। कभी रेगुलेटर है ना, उसका कैप निकाल देना, ऊपर से कैप लगा हुआ था, वो थोड़ा खूबसूरत लग रहा होता है, जब कैप निकालोगे ना अंदर से वो आपको यही नज़र आएगा। एक्चुअल में ये वेरिएबल रजिस्टर है, ये क्या है, वेरिएबल रजिस्टर है, यानी कि इसको रेगुलेट करने से रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होती है। रेजिस्टेंस के कम या ज़्यादा होने से होता ये है कि करंट जो गुजरता है, जो पंखे को मिल रहा होता है, वो कम होने लगता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बढ़ा देता है तो पंखे तक करंट कम पहुंचता है, तो वो इतना ज़्यादा फास्ट रोटेट नहीं कर पाता। तो पोटेंशियोमीटर हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि रेजिस्टेंस को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकें। पोटेंशियोमीटर की जो एडजस्टमेंट है, इसको हम अगर हम लगा लें, फॉर एग्जाम्पल पोटेंशियोमीटर को वीड स्टोन ब्रिज में लगा लें, तो वीड स्टोन ब्रिज में भी ये नल पॉइंट डिटेक्ट करने के काम आ सकता है ना, कि इससे हम रेजिस्टेंस कम ज़्यादा करके नल पॉइंट डिटेक्ट करें। लेकिन इसके अंदर एक कॉइल लगा हुआ था जिससे रेजिस्टेंस की वैरी करती है। अगर हम कॉइल की लेंथ को, ये बात याद रखिएगा, अगर हम कॉइल की लेंथ को इंक्रीज कर देंगे तो इससे जो है ना नल पॉइंट डिटेक्ट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगी, इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी तो नल पॉइंट डिटेक्ट करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, जिसका मतलब एक्यूरेसी आ जाएगी। तो जो आपका पोटेंशियोमीटर है उसकी लेंथ इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से
अगर नल पॉइंट डिटेक्ट करना है तो नल पॉइंट डिटेक्ट करने में आपके लिए आसानी होती है, ये इन्फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। एक और जो डिवाइस है वो रियोस्टेट कहलाती है, वो भी आपने लैब में, वो तो 9th क्लास में भी कराया था, ओम्स लॉ का जो प्रैक्टिकल कराया था उसमें यूज़ करी थी। इस तरह का होता है, एक कॉइल को लिपटा हुआ होता है वो कॉइल, और उस कॉइल में ना एक एंड ये होता है, एक एंड ये होता है, बीच में एक और चीज़ चल रही होती है, मूव कर रही होती है। इसको आप जैसे जैसे आगे पीछे मूव कराते तो वोल्टेज डिवाइड होता है, रेजिस्टेंस क्योंकि चेंज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये इसको यहाँ पे ले आऊँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक की रेजिस्टेंस कुछ और होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेजिस्टेंस कुछ और होगी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वायर है, यहाँ पे कम वायर है, तो इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, इसकी रेजिस्टेंस कम होगी। तो उसकी वजह से पता है क्या होगा, वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, इसका वोल्टेज कुछ और होगा, इसका वोल्टेज कुछ और होगा। तो रियो स्टेट एक ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज को डिवाइड करने में मदद देती है, वोल्टेज डिवाइडर का काम करती है। ठीक है, क्लियर है? तो ये कुछ डिवाइसेस थी आपकी जो चैप्टर नंबर 15 के अंदर आपके लिए नेसेसरी थी कि आप उनको जाने, क्योंकि इससे रिलेटेड अक्सर और बेशतर सिर्फ MCQs आता है, इससे ज़्यादा की इन्फॉर्मेशन मैंने आज तक देखी नहीं है। ठीक है, और MCQs बेस्ड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी, क्लियर है? अब ज़रा MCQs भी देख लेते, क्योंकि आपका MCQs का टेस्ट भी है, तो MCQs भी देख लेते इसी से रिलेटेड। पहला MCQs, अच्छा कोशिश ये करें कि आप लोग जवाब दे दें। नल पॉइंट क्या होता है सर? बेटा नल पॉइंट जो होता है व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर, जब गैल्वानोमीटर को जीरो पे लाना होता है तो वो नल पॉइंट कहलाता है। गैल्वानोमीटर जब जीरो पे आ जाए, यानी कि हमने चारों ब्रिज को बैलेंस कर दिया, वो होता है नल पॉइंट। ठीक है, अच्छा जी, पहला सवाल, नॉन इंडक्टिव कॉइल इन अ रेजिस्टेंस बॉक्स इज यूज्ड टू मिनिमाइज, और आपके ऑप्शन है एडी करंट, हीट लॉस, म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। जी हाँ, रोमैसा ने जवाब दे दिया। सी किसने बोला म्यूचुअल इंडक्शन, किसने बोला म्यूचुअल इंडक्शन? डी पे नजर नहीं आ रहा, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस अभी बताया, इसको रिड्यूस करने के लिए नॉन इंडक्टिव कॉइल, कहीं पर भी कॉइल यूज हो रहा हो वो इसीलिए यूज हो रहा होता है, कॉइल के अंदर इंडक्टेंस क्रिएट हो जाती है, उसको रोकने के लिए हम नॉन इंडक्टिव कॉइल लेते हैं, कितना इंडक्ट ना करें इंडक्टेंस को। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस आंसर है इसका। अच्छा जी, दूसरा है आपके पास, अगला सवाल, कॉनकेव मैग्नेटिक पोल विद अ फिक्स्ड सॉफ्ट आयरन। कॉनकेव मैग्नेटिक पोल, कॉनकेव मैग्नेटिक पोल से जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी दिखेगी? देखो कॉनकेव का मतलब है इस तरह, तो मैग्नेटिक फील्ड भी फिर गोल गोल घूम जाएगी, तो इसको कैसे कहेंगे, गोल गोल घूमी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो घूमी भी स्ट्रेट नहीं रहेगी। अगर ये स्ट्रेट रखते ना, कॉनकेव नहीं रखते, तो ये इस तरह हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, बजाय इसके कि सीधी हो जाए। तो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो तो नहीं होगी, बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है भाई, नुमान ज़ीरो नहीं हो सकती, ऐसा करने तो और अच्छी फोकस्ड हो जाती है, लेकिन क्योंकि सर्कुलर हो जाती है ना, सर्कुलर का मतलब रेडियल हो जाती है, रेडियस बन जाता है, तो रेडियल हो जाती है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि कहते हैं कि बी ऑप्शन रेडियल जो है वो सही है, कि जब भी हम कॉनकेव मैग्नेटिक पोल यूज़ करेंगे आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियल हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, अगली इन्फॉर्मेशन कौन बताएगा, रियो स्टेट किस लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शंस आपके पास मौजूद है, रियो स्टेट किस लिए यूज़ किया जाता है? सोर्स ऑफ करंट तो नहीं है, उसके अंदर करंट हो ही नहीं सकता, सोर्स ऑफ पोटेंशियल भी नहीं है, वोल्टेज भी नहीं सकता, पावर सप्लाई भी नहीं है, उसके बाद वोल्टेज भी नहीं है, पोटेंशियल डिवाइडर। ठीक है, गुड हो गया, अगले सवाल की तरफ चलें, इंटरेस्टिंग सवाल। व्हेन अ कंडीशन इज सेटिस्फाइड, यानी कि जब R1, R2, R3, R4 बराबर हो जाते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में, तो करंट गैल्वानोमीटर में से कितना गुजर रहा होता है?
जीरो, बिल्कुल सही है, मैक्सिमम वन ही है। मैक्सिमम कैसे हो सकता है भाई, नल पॉइंट डिटेक्ट करना होता है गैल्वेनोमीटर पे, जब जीरो करंट गुजरता है तब नल पॉइंट डिटेक्ट होता है, और नल पॉइंट डिटेक्ट हो तो कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है जी, तो इसका आंसर जीरो है। अच्छा जी, अ डिवाइस कंसिस्टिंग, यानी कि एक ऐसी डिवाइस जो कि एमीटर भी है, वोल्ट मीटर भी है और ओम मीटर भी है। ये तो बस अब इसका गलत जवाब किसी ने दिया ना, तो एक ऐसी डिवाइस जो वोल्ट मीटर भी है, एमीटर भी है और ओम मीटर भी है, कौन सी है? शुक्र है वानी है, ये जवाब तो सही दिया आपने, मल्टीमीटर। बिल्कुल एग्जैक्टली, मल्टीमीटर वो डिवाइस है जो तीनों का काम कर सकती है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके जो रह गए वो देख लेते हैं। एमसीक्यूज है आपका नंबर, वैसे पता नहीं सिक्स होगा, ये वन कह रहा दोबारा। एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर एंड कंपेयर पोटेंशियल विदाउट ड्राइंग एनी करंट फ्रॉम द सर्किट, करंट ड्रॉ करे बगैर सर्किट से वोल्ट मीटर आपका वोल्टेज मेजर करने की डिवाइस है। वैसे तो मल्टीमीटर भी मेजर करता है, लेकिन सिर्फ वोल्टेज की बात की जाए तो वोल्ट मीटर मेजर करता है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर इसका आंसर हो जाएगा। दिस इज हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट, इन तीनों में से कौन सा हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट है? देखो, मोटर और गैल्वेनोमीटर को तो यहाँ से निकाल ही दो। मोटर और गैल्वेनोमीटर में तो सिर्फ कॉइल होता है, रेजिस्टेंस तो हम लगाते नहीं, कॉइल की रेजिस्टेंस इतनी होती नहीं है, तो इसको इग्नोर कर दो। अब बचा वोल्ट मीटर और एमीटर। आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, आपको याद है, न्यूमेरिकल में जाके देखें कि किसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है। न्यूमेरिकल में आप जब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं तब रेजिस्टेंस ज़्यादा आती है, या जब एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तब रेजिस्टेंस ज़्यादा आती है, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा। हालांकि आप सॉल्व कर चुके हैं न्यूमेरिकल से, वोल्ट मीटर और एमीटर के, बस कोई भी न्यूमेरिकल 15.1 एग्जांपल देखो या 15.3 क्वेश्चन देख लो, दोनों के अंदर वोल्ट मीटर और एमीटर का कन्वर्जन हो रहा है, किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है किसकी कम, खुद अंदाज़ा लगाओ, उससे आपको आंसर का पता लग जाएगा। अब मुझे बताओ जल्दी से। हाँ जी, अगर आप लोगों ने आंसर को देख के बताया तो नॉलेज में इजाफा हुआ है आपकी, कि आप ज़्यादा रेजिस्टेंस जो हमेशा वोल्ट मीटर के अंदर, क्योंकि वोल्टेज रुकना है तो वोल्टेज ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस पे रुक सकता है। मीटर ब्रिज इज़ यूज्ड टू मेजर, मीटर ब्रिज बोल दो या वीड स्टोन ब्रिज बोल दो, सही ना, मीटर ब्रिज, तो वीड स्टोन ब्रिज से क्या मेजर कर सकते थे? अननोन रेजिस्टेंस, तो मीटर ब्रिज क्या मेजर करेगा भाई, वो भी तो अननोन रेजिस्टेंस ही मेजर करेगा। ठीक है ना, क्योंकि मैंने कहा दोनों सेम ही है, बट डिफरेंस क्या है, एक वायर का डिफरेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस। ए वी ओ मीटर इज यूज टू मेजर, ये जो आपका ए वी ओ मीटर है इससे हम क्या मेजर करते हैं भाई? उमर खान, हाँ जी, डी मेजर करते हैं हम इससे, डी। लवेश कुमार ने कहा कि ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ठीक है, बोल, सारी चीज़ें मेजर कर सकते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। इफ़ द लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ अ पोटेंशियोमीटर इज इंक्रीज, अगर लेंथ हम इंक्रीज करें पोटेंशियोमीटर की, एक्यूरेसी टू डिटर्मिनेशन ऑफ अ नल पॉइंट, ये मल पॉइंट नहीं है, नल पॉइंट है, नल पॉइंट डिटेक्ट करने में आसानी होगी और मुश्किल होगी अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दें। वायर को इंक्रीज करना मतलब रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना। जी हाँ, लेंथ को इंक्रीज करने का मतलब है एक्यूरेसी इंक्रीज होगी वानिया, रेजिस्टेंस बढ़ेगी ना। लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ अ पोटेंशियोमीटर इंक्रीज, इसका मतलब उसकी जो लेंथ इंक्रीज हो रही है उससे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। रेजिस्टेंस जब आपके पास ज़्यादा हो ना तो नल पॉइंट डिटेक्ट करना आसान होता है, रेजिस्टेंस अगर कम दूंगा मैं आपको तो नल पॉइंट आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। नल पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए आपको बहुत सारी रेजिस्टेंस चाहिए होती है, तब जाके वो जीरो पे आता है, इतने आराम से नहीं आता। तो ज़्यादा रेजिस्टेंस मतलब ज़्यादा आसानी, तो लेंथ ऑफ वायर बढ़ाने से पोटेंशियोमीटर की एक्यूरेसी भी इंक्रीज होती है। मुश्किल मुश्किल क्या है भाई मिसबा, टर्मिनेटर क्या चीज़ है? टर्मिनेटर क्या चीज़ है? ट्रांसफार्मर पूछो मैं बताऊं, ट्रांजिस्टर पूछो मैं बताऊं, ये टर्मिनेटर कहाँ से लिया है? ठीक है, अच्छा अब एक दो न्यूमेरिकल आपके जो चैप्टर नंबर 14 के वो देख के फिर आपका डीसी मोटर का एक टॉपिक है वो मुझे कराना है, पहले ये दो न्यूमेरिकल देख लें। वैसे तो दोनों आसान न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल है जो मुझे कराना था, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सवाल करा रहा हूँ जो कि है आपका न्यूमेरिकल नंबर 1 5 का 2019 के अंदर आया हुआ है। ठीक है, इस न्यूमेरिकल का मैं आपको डेटा बना के दे रहा हूँ, बाकी का जो न्यूमेरिकल है वो आप मुझे सॉल्व करके देंगे। ये ऐसे न्यूमेरिकल जो एमसीक्यूज में भी आ जाए तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ लॉजिक समझा रहा हूँ। देखें, इसके अंदर दिया हुआ है आपको नंबर ऑफ टर्न्स 400, एसी जनरेटर का ये टॉपिक है। ठीक है,
और जो एरिया ऑफ कॉइल है वो है 0.1 मीटर स्क्वायर, और जो मैग्नेटिक फील्ड है बी वो आपको दी हुई है 50 टेस्ला, टेस्ला भी यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की, और मैक्सिमम वोल्टेज जो ये जनरेट करवाना चाह रहा है वो है 220 वोल्ट, जबकि जो स्पीड है कितनी स्पीड से घुमाना है ये आपसे मांग रहा है, लेकिन एक और बात कह रहा है कि इसका आंसर जो है वो रेवोल्यूशन पर सेकंड में चाहिए। हम जब ये डब्ल्यू निकालेंगे तो डब्ल्यू का आंसर होगा रेडियन पर सेकंड में। अब रेवोल्यूशन में कैसे करना है वो आप सोचें, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मेरा काम ख़त्म, फिर इसे सॉल्व करके इसका आंसर बताएंगे तो फिर चलेंगे आगे। फार्मूला है वोल्टेज मैक्स का इज इक्वल टू नवाब साइन थीटा, नहीं आता बस इसमें, ठीक है। अब आपने ओमेगा निकाला, इसे सॉल्व करके मुझे आंसर बताएं फिर आगे चलते। इसका जो आंसर है वो 0.0175 आपका आंसर आएगा, बिल्कुल सही आंसर है जो स्टूडेंट्स निकाल चुके हैं, गुड। अगला जो सवाल है आपका, ज़रा इससे पहले सिर्फ इसकी मैं आपको लॉजिक समझा दूँ। देखें, ये है मेरे पास एक वायर, ठीक है, इसमें से गुजर रहा है करंट, ठीक है, एक और वायर आ जाता है उसमें से भी गुजर रहा है करंट, ठीक है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे? तो देखें, ये वाला जो वायर है ना, ये वाला वायर जनरेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड की रेंज में अगर ये वाला वायर आ गया तो व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, और उसका फार्मूला था एफ इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। तो अब ये वाला वायर कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड का काम, यानी कि इसमें से जो करंट गुजर रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का काम कर रहा है, यानी कि आई वन वाला करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, और आई टू वाला करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में आ गया है, यानी कि बी वन की मैग्नेटिक फील्ड में आ गया है। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन होगी कि यहाँ पर कितनी फोर्स लगेगी, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका हम एक नया फार्मूला आज ड्राइव करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, कैसे ज़रा वो देख लेते हैं, डेटा के साथ ही सॉल्व कर, सिचुएशन समझ में आ गई क्या है, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले डेटा के अंदर आप देखें कि इसने कहा है कि करंट है पहले वाले कॉइल में से जो गुजर रहा है वो है 6.25 एम्पेयर का करंट है। स्ट्रेट वायर के अंदर आपको कैलकुलेट करनी है फोर्स पर मीटर, फोर्स पर मीटर किसकी यूनिट होती है? लेंथ की, तो एफ अपॉन एल आपने कैलकुलेट करना है। एक और कंडक्टर है जो कि कितनी दूर है, रेडियस दिया हुआ है आपको, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल बनती है ना, तो रेडियस दिया हुआ है 0.5 मीटर का, और फर्स्ट वायर में से जो करंट गुजर रहा है, मतलब फर्स्ट से जो गुजर रहा है वो 6.25 है, तो दूसरा जो है उसका करंट 2 एम्पेयर है। ये आपका सिर्फ डेटा है। अब देखिए सॉल्यूशन में मैं क्या करूँ, मुझे पहले वाले करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है पहले मुझे वो कैलकुलेट करनी है। अच्छा जी, उसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr। बाय और सवार्ड लॉ ने फार्मूला दिया था ना, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला फॉर अ वायर। तो अगर करंट में 1 रखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी पहले वाली की वजह से आ जाएगी। अब दूसरा वाला जो वायर है वो इसकी फील्ड में आ रहा है, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी। एफ इज इक्वल टू बी वन की फील्ड में आ रहा है बी आई एल, एल लिख दिया, और आई कौन सा वाला लेंगे? आई लेंगे बी आई एल, एल ले आई लेंगे कौन सा वाला? टू वाला, दूसरा वाला करंट आ रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड की रेंज में। और साइन थीटा, थीटा नहीं लूँगा। थीटा क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और करंट ऐसे गुजर रहा है, तो दोनों में एंगल तो 90 डिग्री होगा, तो एंगल साइन 91 के बराबर होता है, तो लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको कैलकुलेट करना है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ को डिवाइड में लिया है। अब आपके पास बचा बी वन और आई टू। बी वन की वैल्यू रख देते, बी वन की वैल्यू आपने निकाली हुई ना, तो रख देते हैं यहाँ पर। तो मेरे पास हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू बी वन की जगह म्यू नॉट आई वन और आई टू एज इट इज डिवाइडेड बाय 2πr। अब आपको तमाम वैल्यूज गिवन है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पुट करें आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ ये फार्मूला ड्राइव करना जो ना वो ट्रिकी काम था, और वो कराना ज़रूरी था क्योंकि आपके उसमें नहीं है, एग्जाम्पल्स में मौजूद है शायद, लेकिन उसमें सवालात में नहीं था। यूनिट जाएगी न्यूटन पर मीटर, फोर्स ऑन लेंथ आपका आंसर हो जाएगा 5 × 10⁻⁶, ठीक है। अच्छा जी, आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है, बाकी न्यूमेरिकल्स वगैरह देख लेना, 5 ईयर पास्ट पेपर के अंदर जो आए हुए हैं वो सारे आप देख लेना, ठीक है। अब
जो टॉपिक है अगला वो है डीसी मोटर। देखो एसी जनरेटर तो हमने पढ़ लिया था ना, बिल्कुल सेम फिनोमेना है आपका डीसी मोटर का, कोई बड़ा कोई चेंज नहीं है। तो इसका मतलब जिसने एसी मोटर कर लिया समझो उसने डीसी मोटर की कंस्ट्रक्शन वर्किंग सब समझ लिया। बस एक छोटा सा चेंज है जो आपको समझाना है, वो चेंज क्या है देखें। ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये आपका कॉइल है रेड वाला, मतलब कॉइल की रेड वाली साइड है, मैंने एक ही कॉइल को दो समय चेंज कर दिया, और ये कॉइल की ग्रीन वाली साइड है, ठीक है। तो इस वाली साइड पे करंट की डायरेक्शन, अगर फोर्स उस तरफ लग रही है तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, इस वाली साइड पे फोर्स इधर लग रही है तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। तो देखो पहले क्या हुआ कि पहले अगर मैं आपसे कहूँ बताया रेड वाले कॉइल में करंट कैसे फ्लो कर रहा था, तो इस तरह फ्लो कर रहा था, और ग्रीन वाले में इस तरह, यानी कि रेड वाले कॉइल उस रेड वाली साइड पे करंट अपवर्ड था, ग्रीन वाली साइड पे डाउनवर्ड। अब ये जब ग्रीन वाली साइड घूम के इधर आ जाएगी तो ग्रीन वाली साइड पे करंट हो जाएगा अपवर्ड, ग्रीन वाली साइड पे करंट हो जाएगा आपका अपवर्ड, और रेड वाली साइड पे करंट हो जाएगा आपका डाउनवर्ड। तो इसका मतलब ये तो उल्टा हो गया, तो इसलिए डायरेक्शन रिवर्स होती है और आपका जनरेटर बनता है एसी, ठीक है ना। लेकिन डीसी में मुझे किसी तरह ना इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं होने देना। अब वो मैं कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए कॉमुटेटर यूज़ करता है, जिसको हम स्प्लिट रिंग भी कहते हैं। स्प्लिट कर देता है कनेक्शन को, ताकि कॉइल को पता ही ना चल सके कि वो किस साइड पे। ये बड़ी टेक्निकल बात है, कॉइल को कन्फ्यूज़ कर देता है। कॉइल जब लेफ्ट साइड पे आता है तो भी वो राइट साइड पे होता है, जब वो राइट साइड पे आता है तब भी वो लेफ्ट साइड पे होता है, उसको पता ही नहीं होता वो किस साइड पे। मतलब कॉमुटेटर उसके साथ घूमता है, स्प्लिट रिंग उसके साथ घूम रही होती है। अब इसको इतना बेहतर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सीधी और साफ बात है, वीडियो के अंदर ये आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसकी वर्किंग वगैरह एक नज़र देख लें, कि वर्किंग सारी वही है। एक कॉइल को हम रोटेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, उसके अंदर इंड्यूस हो रही है ईएमएफ, उसके करंट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम कम्यूटेटर का इस्तेमाल करते हैं। करंट के अंदर जो कम्यूटेटर होता है वो उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है, ताकि जो करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा एक ही रहे। तो आपके पास जो वेव जनरेट होती है ना इसके अंदर, वो वेव जो जनरेट होती है वो आपकी होती है सिंगल डायरेक्शन, यानी कि या तो पॉजिटिव में जनरेट होगी, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, या नेगेटिव में होगी, एसी में जनरेट नहीं होगी। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे मुमकिन है, ठीक है ना। तो वीडियो से आपको और डिटेल इसकी एक्सप्लेन हो जाएगी। बाकी क्लास जो है वो आज की एंड हो जाती है। आपको कोई सवाल वगैरह करना तो आप लोग सवाल कर लें, फिर मैं आपको वीडियो की तरफ लेके चलता हूँ। ये डिफरेंस है, ये स्लिप रिंग है देखें, इसकी जगह कॉमुटेटर है जो डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे। उस वीडियो में करंट के फ्लो के साथ, इसकी डायरेक्शन के साथ हर चीज़ बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन की है। उसको एक बार सुकून से सुन लोगे तो आसानी हो जाएगी। अच्छा, वो वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर में नहीं होगी, कॉपीराइट का इशू होता है कि वो वीडियो कहीं से उठाई हुई है तो वो कॉपीराइट मार सकते हैं, इसलिए वो रिकॉर्डेड लेक्चर में नहीं होगी। इसलिए यहाँ सही तरीके से देख लेना, बाद में मैं भले आपको लिंक सेंड कर दूंगा या मैं नाम बता दूंगा सर्च करने के लिए कि आपको लिखना है तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। कोई सवाल वगैरह? नहीं है कोई सवाल? सब अच्छा समझ आ रहा है, सब गुड है। वीडियो देख लीजिए आपकी डीसी जनरेटर से रिलेटेड।